हेलो। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में। आज मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मैं आज यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ आरआरबी मॉक का, जो मैंने प्रैक्टिस मॉक का जो आपको बताया हुआ है कि मैंने प्रैक्टिस मॉक का जो सेक्शनल मॉक होता है, सेक्शनल मॉक जो हमारे होते हैं उसमें मॉक वन मैंने दिया हुआ है, उसका मैं एनालिसिस लेके आई हूँ, मतलब उसकी सीरीज है। और उसके बाद एक डीआई भी लेके आई हूँ। टोटल क्वेश्चंस तो मैं अभी सारे नहीं ला पाई, अभी सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस हैं। मतलब मैं ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स में या फिर वो सर छोटे छोटे पार्ट्स में सारा बनाने वाली हूँ। तो फर्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सीरीज। सो सीरीज इज 21, 23, 49, 53, 609 एंड 3051। यदि हम इसको देखते हैं कि हमको देखना है कि रॉन्ग पार्ट क्या है। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई रॉन्ग पार्ट, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? जिस हिसाब से सीरीज बढ़ रही है उस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 21 के बाद यदि 23 आया है तो 21 इंटू 1 प्लस 2 यदि हम करते हैं तो दैट वी विल गेट 23। इन सेम 23 के बाद यदि 49 आया है तो 23 इंटू 2 दैट विल बी 46 प्लस 3 व्हेन वी विल डू सो वी विल गेट 49। इन सेम वे व्हेन वी विल 49 इंटू 3 147 प्लस यहाँ पर हमको 4 होना चाहिए था हमारा, कि हम यहाँ पे 4 करते तो हमको जो आंसर मिलना चाहिए था दैट क्या मिलता हमको 151। एंड 151 151 मल्टीप्लाई कितना हम 4 से मल्टीप्लाई करते, 406 हमारा आया है प्लस इसमें हम 5 को ऐड भी करते तो 409 हमको मिल रहा है। दैट मींस जो हमारा 153 टर्म है उसकी जगह पर हमारा 151 आना चाहिए। दैट मींस रॉन्ग नंबर सीरीज है। और इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, 121 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 मींस जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे एक ज्यादा हमको प्लस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1516 18, 22, 33 एंड 46। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इतना पास पास दिया हुआ है कि मल्टीप्लीकेशन का कोई स्कोप नहीं है। द स्कोप विल बी जो हमारा रहेगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो यहां पर हम देखते हैं प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 11 और ये जो मल्टीप्लीकेशन आया है हमारा क्या है प्लस 30। लेकिन हम यदि इसको ऐसे नहीं करें, इसको हम देखते हैं 1 प्लस के बाद 2 आया है, 2 के बाद 4 आया है, तो कहीं ना कहीं यदि हम देखेंगे कि जो 11 है ये गलत है 33। तो यदि 22 में हम 8 को प्लस करते हैं जो 4 का डबल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम 4 को डबल करेंगे तो 8 होगा दैट विल बी 30 और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी 16 हो जाएगा और जो 16 है वो हमारा 8 का डबल है तो जो रॉन्ग टर्म हो जाएगी हमारी वो 33 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 1 8 81 2024 15625। अब इसमें एक चीज दी हुई है, ये आप ध्यान से जब इन नंबर्स को देखोगे 2 का क्यूब है 3 का स्क्वायर है दिस इज क्यूब 4 टाइम्स ऑफ 3 दिस इज 4 टाइम्स ऑफ 5 फाइव टाइम्स ऑफ 4 एंड दिस इज 5 टाइम्स ऑफ 6 ये है। तो ये डेफिनेटली 1 टाइम ऑफ 1 का स्क्वायर होगा दैट मींस ये 1 क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, नंबर भी नहीं है हमारा कोई ऐसे, तो जो हमारा 1 है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आई होप दिस वी विल नेक्स्ट फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 15, 24, 35 और 48 दिया हुआ है। 39, 15, 24 और 35 और 48 दिया है। इस क्वेश्चन को देख के भी हमको समझ में आ रहा है कि ये जो है कुछ ना कुछ प्लस ही हो रहा है, प्लस 6, अगेन प्लस 6, प्लस 9, प्लस 11 प्लस 30।
तो ये जो हमारा प्लस सिक्स है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये जो थ्री नंबर्स हैं दे आर कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ सेवन आना चाहिए एक तरीके से, 15 माइनस यदि हम 7 कर देंगे तो हमारा यहाँ क्या नंबर मिलेगा, हमको 8 मिलेगा, और जब 8 माइनस 3 करेंगे तो हमको 5 मिलेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, 7, 9, 11 and 13 आ गया। दैट मीन्स सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। तो जो नंबर था, जो हमारा गलत नंबर था रॉन्ग सीरीज में, वो 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। अब जब आप बोट एंड स्ट्रीम की बात करते हो, जो मैंने अपने एक लेक्चर में पढ़ाया भी हुआ है कि स्टिल वाटर में यदि बोट की जो वो दी हुई है, हमको स्पीड दी हुई है, तो मैं ऐसे लेती हूँ, मैं x और y के कॉन्सेप्ट से करती हूँ कि दिस इज स्पीड ऑफ करेंट, स्पीड ऑफ बोट। अब क्या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दैट मींस स्पीड ऑफ बोट क्या हुई है, हमारा x इक्वल टू दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स 6 आवर टू बोट x आवर बाय बोट टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम। अब आप देखोगे कि डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड हमारी प्लस होंगी तो x प्लस y जो हो जाएगा। सेम वे अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस वाई, क्योंकि इसमें बोट की स्पीड ज्यादा होती है और करंट की स्पीड कम होती है, और जो बोट और करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं अप स्ट्रीम में। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें सिर्फ आपको यही याद रखना है, फालतू में कोई भी फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, और इनसे बहुत जल्दी सॉल्व होता है। और ये तो मैं अभी यहाँ पर फिर भी बहुत डिटेल में बता रही हूँ। अब क्या दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम दिया, देन फाइंड द टाइम टेकन। हमारे पास सारी चीजें है कि उसने डाउन स्ट्रीम में 150 किलोमीटर ट्रेवल किया 20 प्लस वाई 6 आवर्स में। ओके, तो ये हमारा 25 से कैंसिल होता है, तो वाई जो हमारा आ जाएगा, मतलब स्पीड ऑफ करंट क्या होगा, 5 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब उसने पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 300 किलोमीटर अप स्ट्रीम। x माइनस y कर देंगे हम, तो 20 माइनस 5 यदि हम कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 50। तो ये आ जाएगा 20 आवर्स लगेंगे उसको 300 किलोमीटर का डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कवर करने के लिए। ये क्वेश्चन आया था, प्रैक्टिस मॉक का था, और ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको आरआरबी पीओ के प्री में, देख लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ये डीआई दी हुई है। अब इसमें डीआई क्या हुआ, नेस्ले प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ चॉकलेट, नेमली किटकैट, मंच, मिल्की बार, एंड द ग्राफ बिलो शोस परसेंटेज नंबर ऑफ किटकैट, परसेंटेज नंबर ऑफ मंच प्रोड्यूस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट प्रोड्यूस बाय नेस्ले। अब टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, जब भी आप कोई भी डीआई सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले ऊपर वाला ये जो पोर्शन हो ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। इसमें बहुत कुछ दिया होता है, बहुत लोग गलती करते हैं कि इसको नहीं पढ़ते हैं। अब ये दिया, देखो नोट हमने स्पेशली, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट लिखा है, नंबर ऑफ किटकैट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ मिल्की बार प्रोड्यूस एंड नंबर ऑफ मंच प्रोड्यूस। लेकिन जब हम अपना ये देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, तो उसमें सिर्फ हमको क्या दिया है, ब्लू इज किटकैट एंड ऑरेंज वन इज मंच, दैट मींस मिल्की बार इज मिसिंग। अब इन यदि आप परसेंट को प्लस करोगे तो 30 प्लस 55 85 हो जाएगा, तो 15% हमारा क्या हो जाएगा, मिल्की बार हो जाएगा 80, यहाँ पर 20% हमारा मिल्की बार हो जाएगा। इन सेम वे दिस इज 40, अगेन 20% हमारा मिल्की बार हो जाएगा, और 50, 90 यहाँ पर 10% हमारा मिल्की बार हो जाएगा। ऐसे अब हमारा डीआई कंप्लीट हो गया। इफ ड्यूरिंग क्वार्टर वन, दिस इज क्वार्टर वन, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री एंड क्यू फोर, ये हमारा क्वार्टर वन था। ड्यूरिंग क्वार्टर वन टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट प्रोड्यूस बाय नेस्ले इज 4000, मतलब नेस्ले ने 100% जो प्रोड्यूस किया, 100% इक्वल टू 4000 दिया हुआ है। देन फाइंड द नंबर ऑफ मिल्की बार प्रोड्यूस बाय नेस्ले। अब मिल्की बार कितना है, 15% निकालना है, तो डायरेक्टली यदि हम 40 × 15 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 600 मिल जाएगा। ये 600 हमारा क्या हो जाएगा, मिल्की बार हो जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसे ही आपको मिलेंगे। ये मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने उसमें अटेम्प्ट करे थे।
अब मैं आपको ऐसे ही आज जैसे कि एक डीआई हो गया, सीरीज हो गया और एक क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट जो मैं सेट लेके आऊंगी उसमें रहेगा सिंप्लीफिकेशन रहेगा, एक और डीआई रहेगा, ऐसे मैं आपको रोज रोज ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और यही लेवल मिलेगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस और बहुत काम रखिए आपको पेपर, अपनों पेपर के टाइम पे। थैंक यू वेरी मच।